इसमें वो आपसे पूछ रहा है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख एंड द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच अप टू 2 लाख इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी एक्स। मैं एज्यूम कर रहा हूँ टोटल एक्स बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो क्या बोल रहा है, जो रेट है ना ग्रोथ का, यानी जो डी एक्स अपॉन डी टी है वो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट। कितने नंबर प्रेजेंट थे, एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के एक्स। लेट्स से के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और फिर आपको पता है डी एक्स के नीचे एक्स आएगा, ये डी टी के साथ चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप अभी तक हुआ है वो हुआ है डी एक्स अपॉन एक्स के इंटू डी टी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का यहाँ इंटीग्रेशन होने जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर टू में, ये बनेगा आपका लॉग एक्स, ये बनेगा आपका के टी प्लस सी। यहाँ तक कोई टेंशन, ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस बॉक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिकॉज जो भी यहाँ क्राइटेरिया लगेंगे वो इसी पे लगेंगे, कंडीशंस। भाई इनिशियली क्या था आपके बैक्टीरिया का काउंट क्या था, फिर से एक टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए। अगेन दिस इज टाइम, दीज आर दी बैक्टीरिया प्रेजेंट। जब आपका टाइम ज़ीरो था यानी इनिशियली में आपके बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख। जब आपका 10% इंक्रीज हुआ है 2 आवर्स में, तो 2 आवर्स में 1 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख का 10% होता है आपका 10,000, है ना। और जब 10,000 1 लाख में ऐड होगा तो कितना बनेगा, 1,10,000। तो 2 घंटे में हो जाएंगे 1,10,000 टोटल काउंट, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है कितने टाइम में, इन हाउ मेनी आवर्स द काउंट विल रीच अप टू 2 लाख, तो 2 लाख वो कितनी देर में हो जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चंस, इन्हीं वैल्यूज को हमें पुट करना है और एक रिलेशन डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं केस नंबर 1 पे, जब मेरा टाइम 0 है और बैक्टीरिया जो है वो 1000 है, बैक्टीरिया बोले तो वैल्यू ऑफ एक्स, इसको हमने यहाँ पुट किया, तो ये बना लॉग 1 लाख इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 और c, तो यहाँ से c की वैल्यू सीधे log 1 लाख आ गई। केस नंबर 2, जब टाइम था 2 आवर्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट थे 1,10,000, तो अभी जब आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो क्या हुआ, log 1,10,000 is equals to, टाइम है आपका 2 आवर्स, तो k की जगह कुछ पुट नहीं हुआ, यहाँ पे 2 आ गया, और C की वैल्यू थी आपके पास 1 लाख। ये लॉग फिर इधर आएगा, माइनस होगा एंड देन डिवाइड में चले जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ K, 3,030। तो ये बना, यहाँ से K की वैल्यू है, ये 2 चला गया इसके साथ, 1/2 लॉग 11/10, ठीक है। तो यहाँ से 2 चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट हुई हैं, एक आपके पास C की वैल्यू आई है और अभी आपके पास K की वैल्यू आई है, ठीक है। अब चलते हैं केस के लास्ट सिनेरियो पे। अब आपको पता है जो फाइनल स्टेप होगा, लॉग 2 लाख, 2 लाख इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज आपको बैक्टीरिया का काउंट 2 लाख तक पहुँचाना है, तो एक्स की जगह 2 लाख आएगा। K की वैल्यू आपके पास अभी आई है 1/2 log 11/10, log C आपको पता है दिस इज
1 लाख स्टार्टिंग से ही, फिर वही रूल होगा, ठीक है, प्लस का साइन है, ये इधर जाएगा, माइनस होगा और डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टी हमें निकालना है, तो वो देखते हैं अभी कितने टाइम बाद होता है। तो ये आपका बना लॉग 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू हाफ लॉग 11/10 इंटू टाइम, जो टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये फिर पूरा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से टी की वैल्यू आई है फाइनली, ये 2 चला लॉग के साथ, ट्वाइस ऑफ लॉग, जब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 log 2 अपॉन लॉग 11/10। तो इतने टाइम बाद आपका काउंट पहुँचेगा 2 लाख तक। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा केयरफुली वर्क चाहिए इसमें। थैंक यू।